वेंचरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड को मेजर करके देगा। तो वेंचरीमीटर एक डिवाइस है, एक मशीन है जो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड मेजर करके देगा। जैसे आपके पास एक पाइप, यहाँ पे पानी जा रहा है, चलो नदी के अंदर पानी जा रहा है, लो रनिंग, मैंने कोई पाइप में पानी रखा ही नहीं। क्यों नहीं रखा? आप मुझे कह सकते हो कि सर एरिया इंटू वेलोसिटी कर दो, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड निकल जाएगा मशीन की जरूरत के ना। मैंने आपको एरिया दिया खुला, बिल्कुल पाइप भी खुली हुई है, सोचो कटी हुई पाइप है, उसमें पानी जा रहा है, और मुझे निकालना है कितना लिक्विड या कितना वॉल्यूम जा रहा है पर सेकेंड। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का काम कौन करेगा? वेंचुरी मीटर करेगा। रनिंग वाटर है और रनिंग वाटर के वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड को 1 सेकेंड में मेजर कर देगा ये। तो क्या करना है, आप एक मशीन लेके आएंगे वेंचुरी मीटर, जो देखने में इस तरीके से है। वेंचुरी मीटर कुछ नहीं है, ये एक ट्यूब है, एक ट्यूब है, ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया बड़े से छोटा हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा, मतलब बड़े से छोटा कर देना है, मतलब ये मशीन है, इसमें मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो एक मशीन है जो जिसमें एरिया बड़े से छोटा हो रहा है, इसका यहाँ पे जो वेलोसिटी है, देखो जिस लिक्विड को आपने मेजर करना है, उसका वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड मेजर करना है, उसको एंटर तो करवाओगे ही, अगर इस पानी घुसाओगे नहीं तो फिर मेजर क्या करोगे? तो जिसको भी आपने मेजर करना है यहाँ पे एंटर करवा दें और यहाँ से पास करवा दें, ठीक। तो यहाँ पे कई लोग मरकरी रखते हैं, कई लोग वाटर रखते हैं, कुछ भी रखें, कोई नॉर्मली मरकरी रख लो, जैसे मैनोमीटर के अंदर काम किया था। लिक्विड जब यहाँ पास करेगा तो इसको दबाएगा, दबाएगा तो ये मरकरी या कोई भी जो लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो एम है, मरकरी है लेट अस सपोज, ये अपना लेवल चेंज कर लेगी, क्योंकि ऊपर से पानी का प्रेशर है, पानी के प्रेशर मरकरी के लेवल को हिला देगा। मरकरी का लेवल कितना हो गया? एच हो गया। मान लो यहाँ का एरिया ए वन है और वेलोसिटी वी वन है, और यहाँ पे एरिया ए टू है और वेलोसिटी वी टू है, तो मैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगा सकता हूँ, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। तो मैंने लगा लिया ए वन वी वन ए टू वी टू, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्लियर है यहाँ तक। अब प्रॉब्लम यह है कि ए वन वी वन ए टू वी टू देता क्या है हमें? वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड देता है। वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड तो मैं 1 सेकेंड में निकाल दूँ, क्योंकि एरिया तो मुझे पता ही है ट्यूब्स का, मुझे क्या नहीं पता? दो वेलोसिटीज नहीं पता। अगर मैं आपको वेलोसिटी बता दूं, इस मीटर से वेलोसिटी बता दूं लिक्विड की कितनी है वी वन, तो आप ए वन वी वन से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड निकाल लेना। या मैं अगर आपको वी टू बता दूं, वी टू बता दूं, तो ए टू वी टू को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड बता देना। तो मेन काम क्या है? वेलोसिटी निकालने का काम है। और जब पानी का प्रेशर और वेलोसिटी का काम हो, तो एक ही थ्योरम काम आएगी जिसका नाम है बर्नौलीज थ्योरम। तो ए वन वी वन ए टू वी टू से ए वन बाई ए टू की रेशियो निकाल ली, बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर ली दोनों पॉइंट्स पे, पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर नहीं करना, मैंने बता दिया था, जीएच जीएच पे छोड़ ही दो। तो क्या बचा? ये टर्म बच गई, पी वन माइनस पी टू की ये वैल्यू आ गई। इस टर्म में से वी वन स्क्वायर कॉमन निकाल लो, नहीं निकल रहा फिर भी निकाल लो, तो इसको वी वन स्क्वायर से डिवाइड कर लो, और ये टर्म क्या हो गई? वन। तो ये टर्म आ गई, वी टू बाई वी वन की वैल्यू यहां से निकली हुई है कितनी? ए वन बाई ए टू। तो वी टू बाई वी वन क्या है? ए वन बाई ए टू। तो आपके पास एलसीएम लेके ये टर्म आ गई, पी वन माइनस पी टू प्रेशर का डिफरेंस मरकरी के अंदर क्या आया? एच रो जी, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी। तो आप इन्हें इक्वेट करके आपके पास क्या वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप इसमें बर्नौलीज लगा रहे थे, तो बर्नौलीज किस पे लग रही थी? लिक्विड क्या था? वाटर। मरकरी पे नहीं लग रही थी, पानी बह रहा है, तो डेंसिटी रो किसकी है? वाटर की। और जब आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो एच रो जी, तो डेंसिटी किसकी है? मरकरी की, क्योंकि नीचे मरकरी है, या जो भी लिक्विड है मरकरी की। तो यहां पर आपने डेंसिटी मरकरी की, तो यहां से काम करते हैं, इसे इक्वेट करते हैं, इक्वेट करके सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी वन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये वी वन की वैल्यू आ गई, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होगा? ए वन इंटू वी वन, ए वन वी वन मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू आ गई। तो क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? अब इसके अंदर ये आपके पास फॉर्मूला बन गया वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का। अगर पेपर में आता है कि इसे प्रूव करो, तो ठीक है, आप वेंचुरीमीटर प्रूव कर दे रहा, कुछ भी नहीं है, बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन है। न्यूमेरिकल आएगा, अभी हम आज न्यूमेरिकल भी कर लेंगे इसका। वैसे ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी इसकी मेंस और नीट के अंदर आने की ज़्यादा है, आपको दिखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेंचुरीमीटर के।